बाबू भैया देंगे अमीर बनने के नुस्खे, क्या आप बिजनेस होगा दबागुल। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेरा फेरी सीरीज जिसमें हमने पैसों की हेरा फेरी देखी, ड्रग्स की हेरा फेरी देखी, यहाँ तक कि लोगों की हेरा फेरी भी देखने के बाद अब ये सवाल है हम लोगों का कि हेरा फेरी 3 में कैसी हेरा फेरी देखने को मिलेगी। खैर, ये तो हमें फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बढ़िया कहानी। हमारे लेजेंड्री हो जिनकी जिंदगी में लक्ष्मी तो है लेकिन कभी रुकती नहीं है। श्याम को नौकरी नहीं मिल रही, राजू को कुछ दिलचस्प करने को नहीं मिल रहा है, और बाबू भैया उनका तो कुछ पूछिए ही मत, क्योंकि बाबू भैया के पास अब ना जाने कहां से एक सुपर पावर आ गई है जिससे उन्हें जो कुछ भी सपने दिखते हैं वो सब सच होने लगता है। जैसे एक रात बाबू भैया ने सपने में कुछ नंबर देखे जिसमें एक गाड़ी की नंबर प्लेट हाईलाइट होती है, और फिर अचानक से लूडो खेलने वाला डाइस गिरता है, उस पे 6 नंबर 2 बार आते हैं। इस तरह से बाबू भैया को टोटल 6 नंबर सपने में दिखते हैं। राजू और श्याम जिनका मानना है कि बाबू भैया के पास फ्यूचर देखने की सुपर पावर आ गई है, वो दोनों इन नंबरों का मतलब निकालने में लग जाते हैं। अचानक राजू को याद आता है कि उसने लॉटरी की टिकट खरीदी थी जिसके नंबर भी कुछ मिलते जुलते ही हैं, और बस फिर राजू की चतुराई, श्याम की इंटेलिजेंस और बाबू भैया की सुपर पावर के कॉम्बिनेशन से लग जाती है उनकी लॉटरी और बन जाते हैं तीनों के तीनों अमीर। इसके बाद तो राजू और श्याम बस बाबू भैया को हर वक्त सोने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे सपने जिसके बारे में बाबू भैया जानबूझकर उन्हें नहीं बताते। जैसे एक बार शाम ट्रैवल करते वक्त एक लेडी की मदद करता है लेकिन वो उसे गलत समझकर उसे थप्पड़ मार देती है। बाबू भैया जानते थे कि शाम को आज थप्पड़ लगेगा लेकिन उसके लिए उन्होंने शाम को वॉर्न करना जरूरी नहीं समझा था, और जब शाम एक लाल गाल के साथ वापस आया तो बाबू भैया जिन्हें वो सब पहले से ही पता होता है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। लॉटरी लगने के बाद तीनों की जिंदगी में बस पैसा ही वैसा आ जाता है, वही बड़ा बंगला जिसमें स्विमिंग पूल और नई गाड़ियां उनके पास आ जाती हैं। लेकिन राजू का पैसा डबल करने का शौक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नहीं नहीं, इस बार वो किसी स्कीम में पैसा तो बिल्कुल नहीं लगाने वाला है, बल्कि इस बार एक नया बिजनेस शुरू करेगा। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बाबू भैया बताएंगे सबको अमीर बनने के नुस्खे। राजू ने पहले जिस तरह पप्पू को फंसाया था वैसे ही वो इस बार भी कामयाब होता है, और पप्पू अपनी पूरी पलटन को लेके बाबू भैया से अमीर बनने के उपाय पूछने आ जाता है। श्याम और राजू बाबू भैया के असिस्टेंट और मैनेजर बन जाते हैं, और बाबू भैया को गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में माला और रंग बिरंगी धोती कुर्ता जिस पर डॉलर छपे हुए हैं ये सब पहनाकर बैठा दिया जाता है ताकि वो लोगों को अमीर बनने के उपाय बता सके। कुछ दिन तो ये काम भी सही चला, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब बाबू भैया को सपने आना ही बंद हो गया, और वो भी उस वक्त जब पप्पू एक बहुत बड़े क्लाइंट को लेकर आने वाला था, एक बहुत बड़े गैंगस्टर को जिसे 2-3 बातें बताकर करोड़ों रुपए लेने वाले थे वो लोग। लेकिन उसके बारे में 2-3 बातें भी बाबू भैया के पास नहीं थी क्योंकि उन्हें सपने आना ही बंद हो गया है। राजू और श्याम ने जबरदस्ती बाबू भैया को सुलाया, और श्याम ने तो बाबू भैया को लोरी तक सुना दी ताकि वो एक सपना देख सके, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बाबू भैया की भविष्यवाणी और अमीर बनने के उपायों के वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अब लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर उनकी सुपर पावर्स बीच मझधार में छोड़कर एक लंबे वेकेशन पर चली जाती है, जिसकी वजह से राजू और श्याम बातों को घुमाकर लोगों को पागल बनाते हैं। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? क्या अब बाबू भैया का अमीर बनने के नुस्खे वाला बिजनेस होगा डब्बागुल, या फिर लोग पहले ही पकड़ लेंगे उनका ये झूठ? आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।